जो संविधान की रक्षा कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे, आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी, भैया थोड़ा सामने से हटिए, थोड़ा सामने से हटिए, ये आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा की जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान खोखला नहीं है, इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी की जी की सोच सब भरी हुई है। यह हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है, इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो, तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है, आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है, इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं, इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए, आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। यह बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए।
वो आपसे अधिकार छीनते हैं, आपको कहते हैं आप वनवासी हो और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। पैसा कानून कौन लाया? जमीन अधिकरण बिल कौन लाया? न्यायगिरी में कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, इंडिया गठबंधन के लोग लड़े। जमीन अधिकरण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पैसा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल जल जमीन का अधिकार आपको। यह काम हमने